मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के आठवें दिन यानी के 5 अगस्त के रिजल्ट्स की। भारत के लिए 5 अगस्त का दिन काफी अच्छा साबित हुआ है। तो रिजल्ट्स की हम शुरुआत करेंगे लॉन बॉल से। लॉन बॉल में विमेन पेयर के क्वार्टर फाइनल्स रहे, जहां पर भारत इंग्लैंड के खिलाफ खेलता हुआ नजर आया, लेकिन 14-18 से भारत को हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर मेन फोर्स के सेमीफाइनल थे, जहां पर इंडिया का मुकाबला इंग्लैंड से ही था, लेकिन इस क्लोज मुकाबले में भारत आखिरकार 13-12 से जीतने में कामयाब रही और उन्होंने फाइनल्स में जगह बना ली है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एथलेटिक्स की तरफ। एथलेटिक्स में सबसे पहले विमेन 100 मीटर हर्डल्स की हीट्स रही, जहां पर हमें ज्योति यराजी कम्पीट करती हुई नजर आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई नहीं कर पाए। हीट्स के अंदर उन्होंने फोर्थ पोजीशन पर फिनिश किया। लॉन्ग जंप के क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो वहां पर हमें एलसी सोजन नजर आई, जिन्होंने 13th पोजीशन पर फिनिश किया है और वो भी फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। आगे बढ़ते हैं तो मेन 4x400 मीटर रिले टीम हमें नजर आई कम्पीट करती हुई हीट्स के अंदर, और भारत ने इस हीट्स में 2nd पोजीशन पर फिनिश करते हुए फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आखिर में बात करते हैं हम विमेन 200 मीटर के सेमीफाइनल्स की, जहां पर हमें हीमा दास कम्पीट करती हुई नजर आई, और इस सेमीफाइनल में हीमा ने तीसरे स्थान पर फिनिश किया है विद अ टाइमिंग ऑफ 23.42 सेकंड्स, और अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बैडमिंटन की, जहां पर काफी सारे भारतीय शटलर्स हमें देखने को मिले अपने प्री क्वार्टर्स के मुकाबले खेलते हुए। सबसे पहले बात करते हैं पीवी सिंधु की, जहां पर वो खेलती हुई नजर आई युगांडा की शटलर के खिलाफ, और काफी आसानी से उन्होंने अपना मुकाबला 21-10 21-9 से जीत लिया और क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं उनके अलावा आकर्षि कश्यप की बात करें तो उनका सिप्रस की शटलर के खिलाफ मुकाबला था, उन्होंने अपना मैच 21-2 21-7 से जीत लिया। वहीं मेन सिंगल्स की बात करते हैं तो उसमें हमें किदंबी श्रीकांत खेलते हुए नजर आए श्रीलंका के शटलर के खिलाफ, और उन्होंने अपना मुकाबला 21-9 21-12 से जीत लिया। वहीं लक्ष्य शेन की बात करते हैं तो वो खेलते हुए नजर आए ऑस्ट्रेलियन शटलर के खिलाफ, उन्होंने भी अपना मैच 21-9 21-16 से जीतते हुए क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली है। लास्टली डबल्स की बात करते हैं तो विमेन डबल्स में हमें ट्रेसा और गायत्री की जोड़ी खेलती हुई नजर आई मॉरिशियस के पेयर के अगेंस्ट, और उन्होंने अपना मैच 21-2 21-4 से जीता। वहीं दूसरी ओर चिराग और सात्विक खेलते हुए नजर आए पाकिस्तान के पेयर के अगेंस्ट, जहां पर उन्होंने 21-8 21-7 से जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल्स के अंदर जगह बना ली है। अब आगे बढ़ते हैं तो बात करने वाले हैं हम स्क्वैश की। स्क्वैश में 2 इवेंट्स रहे। सबसे पहले विमेन्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल्स के अंदर हमें जोशना चिनप्पा और दीपिका नजर आई खेलती हुई मलेशिया के खिलाफ, लेकिन वहां पर भारतीय पेयर को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा और वो यहीं से ही बाहर हो गए। वहीं दूसरी ओर मेंस डबल्स में हमें अभय और वेलवन की जोड़ी खेलती हुई नजर आई स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, और भारत ने 2-1 से जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल्स के अंदर जगह बना ली है, क्योंकि ये राउंड ऑफ 16 का मुकाबला था जहां वो जीते हैं। टेबल टेनिस की बात की जाए तो टेबल टेनिस में काफी सारे इवेंट्स रहे। सबसे पहले मेंस डबल्स की बात करते हैं, जिसके क्वार्टर फाइनल्स खेले गए, जिसमें हमें शरद कमल और साथिया गणशेखरन की जोड़ी देखने को मिली, जिन्होंने अपना मुकाबला 3-0 से जीतते हुए वो सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी ओर हरमीत और सनिल को हार का सामना करना पड़ा और वो अपना मुकाबला 0-3 से हार गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं विमेंस डबल्स की और राउंड ऑफ 32 रहे, जिसमें हमें श्रीजा और रीत खेलती हुई नजर आए, उन्होंने स्कॉटलैंड को बीट किया 3-0 से और उन्होंने प्री क्वार्टर्स में जगह बना ली है। वहीं मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल्स में हमें शरद कमल और श्रीजा अकुला की जोड़ी नजर आई खेलती हुई इंग्लैंड के खिलाफ, और 3-2 से जीतते हुए वो सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं, लेकिन दूसरी ओर साथिया गणशेखरन और मनिका बत्रा अपने क्वार्टर फाइनल के मुकाबले को 2-3 से हार गए मलेशिया के खिलाफ, और अनफॉर्चुनेटली वो सेमीफाइनल्स में नहीं जा पाए। मेन सिंगल्स की बात करते हैं तो मेन सिंगल्स में हमें मुकाबले देखने को मिले। सबसे पहले सनिल शेट्टी अपना राउंड ऑफ 16 खेलते हुए नजर आए नाइजीरिया के पेडलर के खिलाफ, और 4-2 से जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए। उनके अलावा शरद कमल की बात करें तो उनका मुकाबला भी नाइजीरिया के ही पेडलर के खिलाफ था, और उन्होंने भी अपना मुकाबला जीतते हुए वो भी क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए हैं।
आखिर में साथ ही गणशेखरन भी हमें अपना राउंड ऑफ 16 खेलते हुए नजर आए और उन्होंने अपना मुकाबला 4-2 से जीतते हुए क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए हैं। वहीं वुमेन सिंगल्स की बात करें तो वुमेन सिंगल्स में हमें मनिका बत्रा खेलती हुई नजर आई अपना प्री क्वार्टर्स, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले तो उन्होंने जीत दर्ज करी, वो क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई, लेकिन क्वार्टर फाइनल्स में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और सिंगापुर के खिलाफ वो 0-4 से हार गई और यहीं से ही बाहर हो गई। वहीं श्रीजा कुला की बात करते हैं तो उन्होंने जरूर सेमीफाइनल्स में जगह बनाई और कैनेडा को 4-3 से हराते हुए वो सेमीफाइनल्स में पहुंच गई है। लास्टली हम रीत की बात करेंगे जो कि राउंड ऑफ 16 में हार गई सिंगापुर की पेडलर के खिलाफ 1-4 से। इसके अलावा हमें पैरा टेबल टेनिस के भी मुकाबले देखने को मिले। विमेन सिंगल्स में भवीना पटेल खेलती हुई नजर आई इंग्लैंड की पेडलर के खिलाफ और 3-0 से जीत दर्ज करते हुए वो फाइनल्स में पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर सोनल बेन पटेल को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच जरूर खेलती हुई नजर आएंगी। वहीं मेन सिंगल्स में हमें राज नजर आए, उन्हें भी सेमीफाइनल्स में हार का सामना करना पड़ा और वो भी ब्रॉन्ज मेडल मैच आप सभी को खेलते हुए दिखाई देंगे। अब आखिर में बढ़ते हैं हम रेसलिंग की ओर, जिसमें भारत ने आज काफी सारे, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 6 रेसलर्स ने आज कम्पीट किया और 6 के 6 मेडल्स हमारे नाम रहे। सबसे पहले बात करेंगे हम 65 kg मेन फ्री स्टाइल की, जहां बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया कनाडा के रसलर को 9-2 से हराते हुए। नेक्स्ट 86 kg फ्री स्टाइल में दीपक पुनिया ने भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया और उन्होंने पाकिस्तान के रसलर को 3-0 से हराया। 125 kg मेन फ्री स्टाइल में हमें मोहित ग्रेवाल खेलते हुए नजर आए जमाइका के रसलर के खिलाफ और उन्होंने बायफॉल ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। विमेन फ्री स्टाइल की तरफ बढ़ते हैं तो 57 kg फ्री स्टाइल में अंशु मलिक हमें खेलती हुई नजर आई नाइजीरिया की रसलर ओडोनायो के खिलाफ और वहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं 62 kg फ्री स्टाइल की, जहां पर साक्षी मलिक हमें अपना गोल्ड मेडल मैच खेलती हुई नजर आई कनाडा की रसलर के खिलाफ और बायफॉल उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आखिर में बात करते हैं 68 kg फ्री स्टाइल में, जहां पे दिव्या काकरान अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलती हुई नजर आई और उन्होंने बायफॉल ये मुकाबला जीतते हुए केवल और केवल 28 सेकेंड, यानी कि काफी कम समय में उन्होंने बायफॉल अपने अपोनेंट को हराया और ब्रॉन्ज मेडल वो अपने नाम कर गई, जिसके साथ रेसलिंग के अंदर आज भारत ने 6 मेडल्स जीते हैं। और अब आखिर में बात कर लेते हैं मेडल टैली की। मेडल टैली से पहले लेकिन आपको एक चीज बताना चाहेंगे, हॉकी के अंदर विमेन टीम अपना मुकाबला खेल रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन वो काफ़ी देर रात जाकर ख़त्म होगा, इसलिए उसकी अपडेट जो रिजल्ट रहेगा वो हम कम्युनिटी सेक्शन में अपडेट कर देंगे आप सभी को, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। अब आखिर में बात कर लेते हैं मेडल टैली की। मेडल टैली में टॉप कर रहा है एज यूजुअल ऑस्ट्रेलिया। वहीं भारत की स्पेशली हम बात करते हैं तो आज के दिन 6 मेडल्स जीतने के बाद भारत के टोटल मेडल हो गए हैं 26, जिसमें शामिल है 9 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल, और भारत की रैंकिंग हो गई है 5th। जी हाँ, काफी ही आज भारत के लिए काफी अच्छा दिन साबित हुआ, काफी सारे मेडल्स भारत ने अपने नाम किए। तो चलिए फिर, ये थी आज की वीडियो आप सभी के लिए। बाकी कॉमनवेल्थ गेम से जुड़ी हर खबर जानने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें और इसको जरूर सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।